So the next effect that happens at the time of the admission of a new partner, or we can say the next thing that we are supposed to do after the treatment of goodwill in during the admission of a new partner, is we are supposed to revalue the assets and liabilities of the firm. फर्म के एसेट्स को फिर से रीवैल्यू और लाइबिलिटीज को हमें फिर से रीअसेस करना पड़ता है. आज का टॉपिक उसी पे है. सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो सिंपल सा चीज तो एक कॉन्सेप्ट है कि एसेट्स की जो बुक वैल्यू होती है, क्या होता है बुक वैल्यू? बुक वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें हमने एसेट्स को खरीदा है, जो हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है. ठीक है. सो जस्ट हम यहां पे एक एग्जांपल दे करके बताते हैं. सो यहां पे अपना बैलेंस शीट है. हाँ, और बैलेंस शीट में हमारे यहां पे अपने एसेट्स दिखते हैं, फर्नीचर है ना, लैंड एंड बिल्डिंग. तो यहां पे जो तुम लोग वैल्यू देखता है ना, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. एंड व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? मतलब द कॉस्ट एट विच द एसेट वॉज एक्वायर्ड, द एक्विजिशन कॉस्ट. सो बैलेंस शीट में अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फोन को 15,000 रुपया में खरीदा था, तो मेरे लिए इस एसेट की वैल्यू 15,000 है, और मैं अपने बैलेंस शीट में इस मोबाइल फोन को कितना में दिखाऊंगा? 15,000 और लेस डेप्रिसिएशन करके. बट अगर आज इसका मार्केट में आज इसका दाम 50,000 रुपया हो गया है, अगर आज इसका शोरूम में प्राइस 50,000 हो गया है, तो हम कभी भी इस मोबाइल को यहां पे 50,000 रुपीज में नहीं दिखा सकते. यह अकाउंटिंग का रूल है, हम लोग जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. सो द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, एंड देन यू हैव द मार्केट वैल्यू. What is basically the market value? The present value of this asset in the market, or you can say if you go in the market to sell this asset, agar aap is asset ko bhi market mein bechne jao, to what price will you get? Simple shabdon mein. So ye uska market value hai. अब होता है क्या है, द मार्केट वैल्यू सॉरी द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ये आपस में कोई जरूरी नहीं है सेम हो. द मार्केट में भी द मार्केट वैल्यू में भी हाई, सो यू विल हैव बीवी इज मोर देन एमवी, और एमवी इज मोर देन बुक वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ द एसेट विल चेंज. दैट इज व्हाई इट इज इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट व्हेन अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि जब नया पार्टनर आएगा फॉर्म में, तो नया पार्टनर के आने के बाद, प्लीज ध्यान से समझना इसको, नया पार्टनर के आने के बाद, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन को समझने के लिए, क्यों किया जाता है. आधा 90% लोगों को नहीं पता होगा रिवैल्यूएशन किया क्यों जाता है. सबको ही पता है कि रिवैल्यूएशन होता क्या है, हम लोग जो कर रहे हैं क्यों किया जाता है रिवैल्यूएशन. सो जब एक नया बैलेंस शीट, जब नया फर्म में एक पार्टनर आता है ना, जब नया पार्टनर आता है, तो ये बैलेंस शीट खत्म हो जाता है बच्चा एक्चुअली टेक्निकली, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बना हुआ है पार्टनर के आने का पहले, ये पुराने पार्टनर्स का बैलेंस शीट है. मान लो ये बैलेंस शीट है ए और बी का, और जब नया बैलेंस शीट, जब नया पार्टनर फर्म में आता है, मान लो सी आ गया, तो फर्म में हो गया ए बी और सी. सो उस सिचुएशन में उसके आने के बाद अब एक नया फर्म बन रहा है और नया फर्म का बैलेंस शीट तैयार होता है. That is we call the balance sheet, new balance sheet of a newly constituted firm. Because the firm is new now. Firm naya hai. Correct? Getting my point? Now the question arises, ki ab jab ye naya balance sheet banega, to hum apne assets ki value jab balance sheet mein likhenge, to kaun sa value likhenge? Wahi historical cost, matlab jis value mein kharide the, ki market value. मेरा बात समझ में आ रहा है? बिकॉज अगर अब नया बैलेंस शीट बनेगा,
बिकॉज ये बैलेंस शीट ए और बी का था, अब जब सी आया तो ए बी सी का अगर बैलेंस शीट बनेगा तो जब हम एसेट्स को यहां पे रिकॉर्ड करेंगे तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन हो जाता है कि मैं उन एसेट्स को किस वैल्यू में रिकॉर्ड करूं, क्या मैं उसको बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करूं जिस वैल्यू मैंने खरीदा था, कि मैं उस वैल्यू में रिकॉर्ड करूं जो अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू है। अब फर्म के पास दोनों ही ऑप्शन है, फर्म के पास आप मार्केट वैल्यू में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप बुक वैल्यू में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर पार्टनर्स बोलेंगे, सारे पार्टनर्स मिलकर अग्री किए, नहीं, बैलेंस शीट में वही वैल्यू दिखेगा एसेट्स का जो उसका हिस्टोरिकल, जो जिसमें हम लोग उसको एक्वायर किए थे, तो वो भी तरीका है। और अगर बोलेंगे नहीं, नया वैल्यू लिखेंगे जो प्रेजेंट अभी जो वैल्यू है, तो वो भी तरीका है। तुम लोगों का साथ 12 में जो डिस्कशन किया जाएगा सिलेबस में, वो बेसिकली पहला वाला तरीका है जहां हम लोग मार्केट वैल्यू लिखेंगे, प्रेजेंट जो वैल्यू, अगर किसी एसेट के वैल्यू में चेंजेस आया है तो नया वैल्यू लिखेंगे, और जिसका अगर चेंजेस आया ही नहीं है तो फिर उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। लेकिन जिस एसेट्स की वैल्यू में चेंजेस आई है हम लोग उसका नया वैल्यू लिखेंगे, पुराना वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो 12 में ये पहले था, आज से 4-5-6 साल पहले ये था, पर उसके बाद सिलेबस में चेंज होने के चलते सीबीएसई और आईसीएसई दोनों से ये हटा दिया गया कि हम लोग जब एसेट्स की वैल्यू लिखें या लायबिलिटीज की वैल्यू लिखें तो हम लोग जो प्रेजेंट नया वैल्यू वही लिखेंगे। क्लियर है? अब सिंस आप ये ऑप्शन में जाते हैं कि अगर ये मोबाइल फोन का मैं हमने 15 में खरीदा था और आज जब नया एडमिशन हो रहा है तो इस मोबाइल फोन का दाम 20,000 है, और आपने डिसाइड किया कि मैं किस में लिखूंगा, मार्केट वैल्यू में लिखूंगा, 15,000 में नहीं, किस में लिखूंगा, मार्केट वैल्यू। तो अगर अब इस 20,000 में आप इसको रिकॉर्ड करते हैं तो अब प्रॉब्लम होता है कि जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये 5,000 का डिफरेंस को क्या किया जाए। इसीलिए ये किया जाता है फिर से, ताकि एसेट्स को रिवैल्यू किया जाए, और जो भी रिवैल्यू करके जो भी प्रॉफिट मतलब गेन या नुकसान, क्योंकि तो 5,000 का गेन हो गया ना, 20 में लिखेंगे अब, पहले कितना था 15, 5 का गेन हुआ, तो इस गेन का क्या किया जाए। तो इस गेन का असली हकदार पुराने पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं? सो ये गेन पुराने पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, डिवाइड। उल्टा भी तो हो सकता है, पहले मोबाइल हमने कितना का था, 20 का लिखा था, और आज उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 15। अब हम डिसाइड करते हैं कि हम मार्केट वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 15। सो 5,000 रुपया मेरा क्या हो गया, लॉस। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा, पुराना पार्टनर्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज द नीड ऑफ द रिवैल्यूएशन इज बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू, एंड द पार्टनर्स हैव बोथ द ऑप्शंस to record the assets in the book value or to record in the market value. We are not discussing the book value part, we are discussing about the market value part. So, agar hum log market value mein record karte hain, so there will be change in the value of the assets. To wo change jo hai, wo change ya to fayda dilayega, ya to gain karwayega, ya to jo bhi gain aur nuksan ho, wo simple kisko belong karta hai? Correct? Same happens with the liabilities also. सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज का भी जो वैल्यू है प्रेजेंट और जितना में हमने लाइबिलिटीज था मेरा ओरिजिनल, वो क्या होता है, वो डिफर करता है। और इसमें भी जो चेंज आ रहा है लाइबिलिटीज के वैल्यू में, उसके उस चेंज के चलते भी मेरे को नुकसान या तो फायदा हो सकता है। तो अगेन ये नुकसान और फायदा जिसका भी होगा वो पुराने पार्टनर को होगा, नया पार्टनर को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ गया कि हम लोग अपना एसेट्स को फिर से रिवैल्यू करें और लाइबिलिटीज को हम लोग रीअसेसमेंट करें, फिर से रीअसेस करें लाइबिलिटी को कि आज मेरा प्रेजेंटली मेरा लाइबिलिटी कितना है। क्लियर? एंड फॉर दिस पर्पस वी ओपन एन अ न्यू अकाउंट एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। So, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आएगी वो सारे चेंजेस को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है कॉन्सेप्ट, रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया है? हाँ, अब रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट, आई थिंक ओके. सो दैट वाज आई वाज शोइंग इट टू योर, जो हमने आपको बैलेंस शीट बना के दिखाया था वही है कि यू हैव गॉट योर बैलेंस शीट. दिस बैलेंस शीट इज द ओल्ड बैलेंस शीट बिलोंगिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स. यू हैव गॉट सो मेनी एसेट्स, यू हैव गॉट सो मेनी लाइबिलिटीज, राइट? एंड द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी डिफरेंट. सो ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द लैंड एंड वैल्यू विल बी वैल्यूड एट सम अदर वैल्यू. सम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यूशन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. क्रेडिटर्स 500 रुपया आर नॉट ट्रेसेबल. जैसे हम जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, एक क्रेडिटर्स का एग्जाम्पल दे करके तुम लोगों को बताते हैं तो ये चीज और क्लियर होगा. एक्चुअली ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा था बट मैंने गलत स्लाइड खोल दिया था. सो से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स यहाँ पे 20,000 है. कितना है? 20,000 रुपीज का क्रेडिटर है, ठीक है? 20,000, करेक्ट. अब क्वेश्चन बोलता है द क्रेडिटर्स वर्थ, नीचे में लिखा हुआ है 500 आर नॉट ट्रेसेबल. मतलब 500 रुपए का क्रेडिट मिल नहीं रहा है, जो हमको उधार दिया था वो मिल नहीं रहा है. अब क्यों नहीं मिल रहा, उस पर मत जाओ. नहीं मिल रहा है, अच्छा बात है, नहीं मिल रहा है. अब क्या हुआ कि मेरा लाइबिलिटी कितना का था? 20. अब 500 का क्रेडिट मिल नहीं रहा है तो मेरा लाइबिलिटी कितना का हो गया? 19,000. सो 500 रुपए से मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया? क्रेडिटर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया. अब जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो नया बैलेंस शीट में ये क्रेडिटर नहीं लिखेंगे. कौन से क्रेडिटर लिखेंगे? 19,500. तो 500 का तो बेनिफिट अपना, तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा? इन्हीं को मिलना चाहिए ना, पुराने पार्टनर्स को. सो दिस बैलेंस शीट बेसिकली बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स. एंड व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन, द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी डिसॉल्व्स, खत्म. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी स्टार्ट्स. सो सबसे नया बैलेंस शीट बन रहा है हम लोग का. क्लियर है? यही करने वाले हम लोग, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे. सो जैसे कि मैंने कहा था कि दो केसेस हो गए आपके. पहला केस, पार्टनर डिसाइडेड एसेट एंड लाइबिलिटीज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट रिवाइज्ड वैल्यू. रिवाइज्ड वैल्यू मतलब नया वैल्यू, मार्केट वैल्यू. और दूसरा केस क्या है? पार्टनर्स डिसाइड्स दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यू. व्हाट इज ओल्ड वैल्यू? ऑफ द बुक वैल्यू. क्लियर? इन बोथ ऑफ दिस केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली केस वन. केस टू इज नॉट देयर. क्लियर? आई ऑलरेडी सेड दिस. नेक्स्ट, चलो अब हम लोग रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे. सो द पहला एंट्री है, सो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट, ठीक है? बट फोकस शुड बी मोर ऑन द हियर, ठीक है? तो एक पेज छोड़ देना, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. एक पेज नहीं, आधा पेज छोड़ करके उसके बाद लिखना शुरू करो. नाउ इवेंट वदर रानीगंज में भी आप लोग इसको, यू कैन जस्ट बी रेडी विथ योर कॉपी, हाँ, उसको लिखना शुरू कर दो. बट ध्यान समझने में ज्यादा लगाना. पहला है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. ना अब हम तुमको बोले कि जो भी एसेट और लाइबिलिटीज के वैल्यू में चेंजेस आएगा, उन चेंजेस को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे. एक नया अकाउंट खोल रहे रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब इसमें भी तुम लोग हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता था, भैया नया रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलने का क्या जरूरत है, क्यों खुलता है? तो अब हम तुमको इसको प्रूफ करेंगे. समझो, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी. जब हम लोग रीवैल्यू करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू घटेगा. क्लियर? अब ध्यान से देखो, पहला पॉसिबिलिटी है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. मतलब एसेट का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया. तो हम लोग सीखे हैं जब भी एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग एसेट को क्या करते हैं? डेबिट. जो भी एसेट, अगर लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा. प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा. यहां पे मैंने कोई एसेट का नाम नहीं लिखा है, तो हम यहां पे सन्ड्री एसेट ही बोल करके लिख रहे हैं. जो भी एसेट का वैल्यू बढ़ा है, आप लोग जर्नल में सन्ड्री एसेट नहीं लिखना, आप लोग जर्नल में वो एसेट का स्पेसिफिक नाम लिखना. अब एसेट सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट. अब ध्यान से सोचो, एसेट्स का वैल्यू तो बढ़ा,
लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली देखो दो ही चीज होता है, अगर बिजनेस में एक एसेट आएगा ना तो उसके विपरीत उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या तो कोई एसेट घटेगा और या तो वेरी गुड या तो लायबिलिटी बढ़ेगा, यही दो ऑप्शन होता है। अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके बदले हमको उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब एसेट घटेगा उसके ऑपोजिट में, और या तो अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। बट यहां एक चीज देखिए, आप कोई एसेट खरीद नहीं रहे हैं, एसेट खरीदना इज नॉट रिवैल्यूएशन, यहां आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली ना कोई एसेट जा रहा है ना कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है। सो देयरफॉर ये चेंज को हम कहां रिकॉर्ड करें, समझ में आ रहा है? एसेट की वैल्यू तो बढ़ गया, अब कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ हो रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली, कुछ नहीं ना, क्रेडिट तो हो गई नहीं, सिर्फ डेबिट होकर के रखा हुआ है। तो जर्नल एंट्री तो मेरा इनकम्प्लीट है, अकाउंट्स का तो रूल बोला डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम डुअल एस्पेक्ट, तो एक एस्पेक्ट था कि एसेट बढ़ा, दूसरा एस्पेक्ट है ही नहीं। सो दैट इज वाई हम लोगों को एक तो क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट खोल रहे हैं, क्योंकि जो भी ये चेंज है ये कहां रिकॉर्ड होगा, उस पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और उसी अकाउंट का नाम क्या है, हो गया कॉपी कर लो, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो दिस इज how we are going to record the change. Ab similarly we can have decrease in the value of assets, decrease in the value of assets. अब बताओ जब एसेट्स का वैल्यू घटेगा, एसेट्स का वैल्यू माइनस तो क्या होगा, क्रेडिट, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली डेबिट तो कुछ करना पड़ेगा, किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, या जो भी एसेट है उसका नाम लिख देना टू सन्ड्री एसेट्स, आज पे लिखो ये। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर इंक्रीजिंग दे आर क्रेडिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर डिक्रीजिंग दोज आर डेबिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल सेट, क्लियर, सब कर लिया कॉपी? मेहनत हम करके रखे थे। नेक्स्ट है फॉर द इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। और हाँ, यहां पे देखो मैंने स्पेसिफाई किया है, क्या स्पेसिफाई किया है, आउटसाइड लायबिलिटीज। यहाँ पे हम लोग उस लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कर रहे हैं जो बेसिकली एक्सटर्नल है, जिसके चलते कैश फ्लो होगा, बाहर जाएगा कैश, ठीक है। नाउ अब देखो एंट्री, देखो सिंपल, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, करेक्ट। लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ तो सिर्फ लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, करेक्ट। आज मेरा क्रेडिटर वहां पे 20,000 था, उसमें से 500 रुपया नॉट ट्रेसेबल था, तो मेरा क्रेडिटर 20,000 से घटकर 19,500 हुआ। इसका मतलब ये नहीं फलक कि मैंने 500 रुपया जाकर उसको दिया था, कैश तो बाहर निकला नहीं था, निकला था कैश बाहर नहीं। सो यहां पे मेरा लायबिलिटी अगर घट रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली राइट उसको क्रेडिट कहां पे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो दिस चेंज ऑफ द लायबिलिटीज विल आल्सो बी रिकॉर्डेड वेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री क्या हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज है कि डिक्रीज है, या ठीक है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। सो इंक्रीज हुआ लायबिलिटीज क्रेडिट, और उसको हम लोग जाके डेबिट कहां पे कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये हो गया आपका एंट्री किसका, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज,
फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये हम लोग ऑलरेडी भी कर लिए. हाँ, क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कर लिए. नेक्स्ट क्या है? फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. चलो बोलो तो बनाओ तो एंट्री. लाइबिलिटी घटने से क्या होगा? लाइबिलिटी घटने से डेबिट होगा. सो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. सब आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी ही हम लोग रिवैल्यू करते हैं. इंटरनल तो तुम्हारा लाइबिलिटी क्या हो गया? जनरल रिजर्व हो गया, फंड्स हो गया, वो सब हो गया तुम्हारा इंटरनल. सो फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इज इट ओके? नेक्स्ट नेक्स्ट है फॉर अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स. Now, what are unrecorded assets? Assets वो assets जो physically business में तो है लेकिन books में उसको record नहीं किया गया. So when you are bringing that asset in the book, it means the total value of the asset will what happen? Increase? Value बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि पहले वो record in the, अब books में तो उसके value बढ़ जाएगी. अब बुक्स में तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी. सो देयरफॉर एसेट्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट. और कॉरेस्पॉन्डिंगली किसको क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेम फॉर अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. अब जब लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होगा तो ऑन एंड होल लाइबिलिटीज मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या होगा हिमेश? क्रेडिट. तो डेबिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं. हो गया रिकॉर्ड? तुम लोग रिकॉर्ड किया क्या नहीं इसको? अभी क्या है? फॉर पार्टनर्स टेकिंग ओवर एसेट्स. कभी कभी ऐसा देखा जाता है. क्या देखा जाता है अयान? एसेट्स देखा जाता है. क्या देखा जाता है? एसेट्स पर लिखा देखा. कभी कभी ये देखा जाता है कि पार्टनर्स फर्म के एसेट्स को विड्रॉल टेक ओवर कर लेते हैं. कोई एसेट्स को पार्टनर घर लेकर चला जाएगा, ले लेगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, एसेट्स खरीदना, एसेट्स बेचना इज नॉट रिवैल्यूएशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म इज रिवैल्यूएशन. You just need to focus the value. What I'm trying to tell you is that, is this. I've got a mobile phone with me. I bought one mobile phone. I had bought it for 20,000 rupees. ठीक है? अब ये मोबाइल फोन हमने दे दिया, चला गया, मालिक लेके चला गया, ये इस मोबाइल फोन को मैंने बेच दिया. Now you tell me, अरे भैया ये तो revaluation है क्योंकि एक asset कम हो गया. But a decrease in the asset is not revaluation. Decrease in the value of an asset. Please mark my words. So you will tell me, भैया बीजर का था ना ये? Balance sheet में आपका बीजर दिख रहा था, आप इसको बीजर में खरीदे? बोले हाँ. तो चला गया ये एसेट, तो हम बोलेंगे revaluation है. तुम बोलेंगे नहीं भैया revaluation नहीं है ये. आप हमको ये बताइए कि ये मोबाइल आप कितना में बेचे?
तो आप बोलेंगे कि हमने तो इसको बेचा कितना में, कितना में, 18 में, 16 में। अच्छा, 4000 का क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है। सो 20 का चीज 16 में गया, मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए, सिर्फ 4000 पे। क्लियर? सो व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट, सो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटीज। पहला पॉसिबिलिटी, एसेट्स टेकन एट बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू में लेके जाएगा तो वेरी सिंपल, पार्टनर का अकाउंट डेबिट करो और करंट अकाउंट को क्या करो, या कैप, सॉरी, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करो और एसेट का अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट। अब तुम सोच रहे होगे, भैया ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये एंट्री कैसे आया? सिंपल, जब भी बिजनेस से कोई बिजनेस का मालिक, पार्टनर, मालिक, ओनर बिजनेस से एसेट लेके जाता है तो उसको मुफ्त का नहीं मिलता, उसका अकाउंट से क्या हो जाएगा, डिडक्ट, और एसेट मेरा चला गया तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है? सो अगर मान लो 10,000 का एसेट था और उस कितना में टेक ओवर किया, 10,000 में टेक ओवर किया एट द बुक वैल्यू। सो देयरफॉर यहां पे हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एसेट अकाउंट 10,000। सेकेंड ऑप्शन होगा एसेट्स टेकन एट मोर देन द, मतलब 10,000 का एसेट था, कितना में लेके चला गया, 12,000 में, कितना में लेके चला गया, सो देयरफॉर पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो गया कितना से, 12,000, लेकिन मेरा एसेट नहीं गया 12,000 का, मेरा एसेट कितना का था, सो एसेट 10,000 से क्रेडिट होगा और 2,000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन, वो 2,000 का मेरा बेनिफिट, वो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है? समझ में आया? चलिए इसको कॉपी करिए। ओके, सो ये दो सिचुएशन हुआ। अगर एक पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करता है फर्म से, तो पहला सिचुएशन ये होता है कि वो एसेट टेक ओवर करेगा एट द बुक वैल्यू, और दूसरा सिचुएशन होता है वो एसेट टेक ओवर करेगा मोर देन द बुक वैल्यू। सो ऑलवेज रिमेंबर द बॉटम लाइन इज दैट इफ एन पार्टनर इज टेकिंग ओवर एन एसेट, दैट वैल्यू, जितना भी मैं एसेट लेके जा रहा है, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंट, उसको वो फ्री में दिया नहीं जाता। सो वेदर इट टेक्स एट बुक वैल्यू और मोर देन द बुक वैल्यू, इन बोथ द सिचुएशन द कैपिटल और द करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, कट जाएगा उसका अकाउंट से, माइनस हो जाएगा। एट द बुक वैल्यू देन टू एसेट, या भी रिवैल्यूएशन आया ही नहीं, क्योंकि जितना का वैल्यू था उतना में लेके गया, चेंज हुआ नहीं वैल्यू। लेकिन यहां पे अगर तुम देखो मोर देन द बुक वैल्यू लेके गया, तो यहां पे वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आई एम डूइंग द रिवैल्यूएशन ना, सो आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट द चेंज। So that's why I said asset bikna, asset lekar ke jana is not revaluation. That is decrease in the number of assets. We are here to look decrease or increase in the value of an asset. Next, asset taken less than the book value. Now, what is this less than the book value? वेरी सिंपल, अगर आपका बैलेंस शीट में मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है, या कोई मान लीजिए आपका बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर है 10,000 और उसको ले करके गया है एट 8,000, तो 10,000 का चीज कितना में लेकर गया, 8,000। तो मेरा 10 रिवैल्यूएशन ना 10 का है ना 8 का है, मेरा रिवैल्यूएशन तो मेरा चेंज कितना का है, सो आई एम कंसर्न विद द चेंज। So, यहां पे एंट्री क्या होगा, यहां पे एंट्री क्या होगा बताओ, यहां पे एंट्री होगा सिंपल, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट करेंगे, 8,000, 10 से मत करना है क्योंकि वो कितना में लेकर गया, 8, 2,000 रुपया मेरे लिए क्या हुआ, डिक्रीज। सो जब एसेट की वैल्यू घटती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं एंड टू एसेट्स अकाउंट। So, एंट्री बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट लेकर गया है उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट को हम लोगों को क्रेडिट करना है। आगे करें, डोंट ट्राई टू रेटिफाई दिस जर्नल एंट्रीज, याद नहीं करना, वी आर एक्सप्लेनिंग इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट यू हैव टू डू द एंट्रीज, प्लीज डू नॉट रन, कितना ज्यादा रन नहीं कर पाएगा तुम लोग, बहुत कुछ है इसमें और कुछ भी वेरिएशन आ सकता है, एनी कोई भी वेरिएशन आ सकता है।
आगे बढ़े। When partner agrees to pay liabilities of the firm, यह भी एक सिचुएशन है कि जैसे पार्टनर फर्म का एसेट्स ले रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, टेकओवर कर रहा है, तो वैसे तो यह भी हो सकता है कि एक पार्टनर फर्म का लाइबिलिटीज भी पे कर दे, किसके बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में। सो अगर जब पार्टनर एसेट लेता था, कॉमन सेंस लगा, जब पार्टनर एसेट लेता था तो उसका अकाउंट से हम लोग क्या करते थे, माइनस, और जब वो फर्म के बिहाफ में फर्म का लाइबिलिटी पे करेगा तो उसका क्लेम क्या हो जाएगा, फॉर्म में क्लेम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा उसको वो, क्योंकि वो अमाउंट जो उसने फॉर्म के बिहाफ में पे किया, उसने जो लायबिलिटी पे किया वो तो फॉर्म से वापस लेगा, वो तो फॉर्म से, तो उसका कैपिटल में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एसेट लेने से पार्टनर का क्लेम डिक्रीज होता है, लाइबिलिटीज टेक ओवर करने से, लाइबिलिटीज पे कर देने से उसका क्लेम बढ़ जाता है। अब इसमें भी वही सिचुएशन, लाइबिलिटीज पेड एट द बुक वैल्यू, तो यह वेरी सिंपल, जो लाइबिलिटी गया लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेक्ट, याद नहीं करो, लाइबिलिटीज घटने से क्या होगा, डेबिट, और पार्टनर ये वापस फॉर्म से क्या करेगा, लेगा, तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्रेडिट। अब यहां पर कहीं पर भी तुमने रिवैल्यूएशन देखा क्यों नहीं देखा, अब तुम बोलेगा हमको, कह रहे भैया लायबिलिटी तो खत्म हो रहा है, आप तो लायबिलिटी, भैया फॉर्म को तो लायबिलिटी खत्म हो गया, तो रिवैल्यूएशन है, लायबिलिटी कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन है। नहीं बेटा, लायबिलिटी पे करना इज नॉट रिवैल्यूएशन, चेक करो कि लायबिलिटी जो पे हुआ वो किस वैल्यू में पे हुआ और कितना उसका वैल्यू था। अगर 10,000 का क्रेडिटर था उसको हम जाके 10,000 पे कर देते हैं, इट इज डिक्रीज इन द लायबिलिटी, नॉट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द, वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, लायबिलिटी कम हुआ ठीक है, लेकिन 10 का चीज को 10 दिया। सो पार्टनर्स लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है लायबिलिटीज पेड एट मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब क्रेडिटर था 10,000 रुपया का बट उसको पे करना पड़ा कितना, 12,000। तो अब तुम लगाओ, दिमाग लगाओ, एंट्री बनाओ, चलो एंट्री बनाओ, 10 का क्रेडिटर 12,000 रुपया में एक पार्टनर पे किया, सबसे पहले चीज क्या होगा बताओ, लायबिलिटी घटा, लायबिलिटी कितना से घटा, 10,000 से घटा, पार्टनर कितना लेगा पैसा वापस, 12, क्योंकि पार्टनर कितना पे किया है, 12, 2,000 रुपया कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन। देखो लायबिलिटीज घटेगा कितना से, 10, पार्टनर तो लेगा आपसे कितना, 12, बाकी 2,000 रुपया आपका क्या हो गया, रिवैल्यूएशन में डेबिट, बिकॉज यहां पे लायबिलिटी बढ़ गया, यहां पे लायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इजी है, बहुत इजी है भाई। हो गया, नहीं नहीं हम लिखे नहीं है करंट अकाउंट, बट करंट अकाउंट आया आ सकता है, इट इज बेसिकली टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, दैट इज अंडरस्टूड, डिपेंडिंग अपॉन द केस में भी वेदर इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उस हिसाब से आपका होगा। आगे बढ़े, अब लाइबिलिटीज पेड एट लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब 10 का क्रेडिटर था, हमने कितना पे किया, 8, तो तुम्हारा लाइबिलिटी कितना से खत्म हुआ, 10,000 से, सो लाइबिलिटी तो तुम्हारा 10,000 से खत्म होगा, लेकिन तुम पार्टनर को कितना दोगे, 8, क्योंकि वो कितना पे किया था, 8, और बाकी 2,000 तो तुम्हारा गेन था ना, लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, वो कहां पे चला जाएगा, रिवैल्यूएशन। So the liabilities account debit to partners capital या current account and to revaluation account. Again, do not try to learn these entries. As I am saying, these entries are supposed to be understood. इसको समझना है, learn कुछ नहीं करना है।
सिर्फ बहुत सिंपल है, खेला सिर्फ डेबिट और लाइबिलिटी के, तो एसेट का ही है, बढ़ना और घटना यही तो है। और अपना वही रूल, मॉडर्न रूल, एसेट इंक्रीजेस डेबिट, डिक्रीजेस क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट और डिक्रीजेस डेबिट, यही तो था, उसी को लेके चलना है जो हम लोग सीखे हैं बस। खरी वो जो चेंज आ रहा है, वो चेंज को हम लोग कहां पे डाल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग चेंज को डाल रहे हैं। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज ऑफ ओनली रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। अब ये जितना भी रिवैल्यूएशन होगा, जो चेंज रिकॉर्ड होगा, उसका कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट और या तो लॉस। तो चलो चलो प्रॉफिट और लॉस पे चलते हैं, क्योंकि ये अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो इधर यू विल हैव प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और यू विल हैव लॉस। बच्चा अगर गेन हुआ या प्रॉफिट जो भी आप बोल लो, तो ये प्रॉफिट और गेन किसका किसका। सो गेन अगर बटेगा पार्टनर्स का बीच में, पार्टनर को दुख होगा कि सुख होगा, दुख दुख होगा। पार्टनर के बीच में गेन होगा बटेगा तो लोगों को दुख होगा। क्या होगा, सुख होगा, खुशी होगा। सो जब पार्टनर लोगों को सुख होता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, या करंट अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर गेन हो रहा है मतलब सुख का साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है। तो उसको क्लोज करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब अगर लॉस हुआ तो उल्टा, लॉस अगर पार्टनर के बीच में बटा तो क्या होगा, दुख होगा। तो फिर पार्टनर्स क्या, सन को खुशी होगा। मत करना बेटा जिंदगी में धंधा कभी। देख रहा बिजनेस में आग लग गई, घर में खुशी खुशी जा रहा, खुशी खुशी पूरा खुश, मिठाई उठाई खरीद के जा रहा, पापा मम्मी खुशी बनाई है, लीजिए मिठाई। क्या हुआ बेटा, आग लग गया, जल गया, सब छाई हो गया, मिठाई खाइए। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू व्हाट, रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोगों को यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन का डेबिट बड़ा है। अभी हम लोग उसका लेजर करेंगे तो हम लोग देखेंगे। चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी, 2 सेकंड। खुशी खुशी, डू यू वॉन्ट टू सिट हियर, मरियम इज एब्सेंट टुडे एंड आदित्य, अक्षित समझ में आ रहा है पक्का, यहां लिख लेना फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन एंड फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलिए अब ये जो भी जर्नल है आपको, ये तो जर्नल एंट्री हो गया, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको जर्नल बनाने आए, आपको डायरेक्टली क्या बोलेगा, लेजर, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाएंगे। अब व्हाट डज दिस टू इमोजीज रिप्रेजेंट, वेरी सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट
एक तो जर्नल देख करके पोस्टिंग करना अलग बात है, बट आपको अगर डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोले तो यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्या करें और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट क्या करें, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। सो बहुत जन क्या करते हैं ना, पहले मन में क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं और मन में जर्नल एंट्री पास करके फिर उसको यहाँ पे क्या करते हैं, करते हैं। हम यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका तुम लोग बता रहे, बहुत ईजी तरीका बता रहे हैं। ये चेहरा देखो, ये कैसा चेहरा है, दुख का चेहरा है, और ये चेहरा कैसा है, सुख का, खुशी का चेहरा है। सिंपल याद रखना, जब दुख होगा तो डेबिट करेंगे और जब सुख होगा तो क्रेडिट करेंगे। अब दुख कब होगा और सुख कब होगा ये हमको बताने का जरूरत है, बताओ दुख कब होगा, जब दुख कब होगा, जब यहां लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कर रहे हैं ना सपना, तो फिर एसेट एंड लायबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट बताओ, दुख कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा, यही दो चीज। और सुख कब होगा, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा और लायबिलिटी का वैल्यू हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म, दुख और सुख। सो आपको क्या रखना है, याद रखना है सिर्फ इतना कि दुख कब होगा, एसेट का वैल्यू घटने से और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ने से। तो जब जब तुमको दुख हो, एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू में चेंज होने से अगर दुख हो रहा है तो डेबिट मार दो, और अगर सुख हो रहा है तो खत्म। कितना सिंपल है, कोई जर्नल याद रखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेजर मारोगे। लेकिन जर्नल तो समझ नहीं था, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में आपको सरप्राइज कर देगा बोल करके पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए एंट्री तो आपको समझ नहीं था, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपका सुख बढ़ा, मतलब क्रेडिट साइड बढ़ा, क्या बढ़ा, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड दुख बढ़ा तो क्या आएगा आपका, इसलिए तुम जर्नल एंट्री में जाओ, जब प्रॉफिट बांटे हो तो तुम देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किए हो, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ा है तभी तो प्रॉफिट इधर पे आया। और लॉस में देखो तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, क्योंकि लॉस मतलब डेबिट साइड बड़ा है, मतलब डेबिट बैलेंस है ये, तो उसको बंद करने के लिए हमने क्या किया, क्रेडिट किया। क्लियर है, इसी के साथ रिवैल्यूएशन का टॉपिक होता है समाप्त। समझ में आया, अब हम लोग दूसरा टॉपिक में बढ़ेंगे।